तो गाइस ये अंदर की गलियों में जरूर आना, यहाँ पे ना बहुत छोटी छोटी चीज़ें सस्ते में मिल जाती हैं। ये देखो 40% ऑफ यहाँ पे कुशन मेड कवर्स, गारमेंट्स वगैरह की शॉप्स है अंदर, मतलब जितना अंदर आप जाओ टी शर्ट्स पैंट्स बच्चों की चीज़ें सब बहुत सस्ते में मिल जाती हैं यहाँ पे ना, आराम से बहुत आराम से सस्ते में मिलेंगी आपको। बाहर बड़े बड़े ब्रांड्स मिलेंगे, अंदर आपको छोटी छोटी चीज़ें, जैसे आप विंटर्स आ रहे हैं तो ये देखो विंटर की चीज़ें और अंदर टेक। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज मैं पहुंचा हूं लाजपत नगर, कुछ घर पे शॉपिंग की तैयारी चल रही है बेसिकली। तो ये लाजपत नगर की मार्केट है, जस्ट अभी मेट्रो स्टेशन से उतरा हूं, गुड़गांव से आया हूं। तो साथ में तो पता ही है मेरे कौन होगा, बाकी फैमिली के मेम्बर्स भी आए हैं, बहन है, मम्मी है, तो कुछ सामान ख़रीदना है। तो देखते हैं एक बार क्या क्या सामान लेते हैं, मैं आपको दिखाऊँगा एक बार मार्केट का टूर भी क्या है बेसिकली, क्या क्या मिलता है यहाँ पर। तो ठीक है गाइस, चलते हैं हम आगे। तो आओ मेरे साथ चलते हैं लाजपत नगर की मार्केट के अंदर, हम क्या क्या सामान खरीदते हैं बढ़िया बढ़िया, क्योंकि फैमिली में फंक्शंस भी बहुत आ रहे हैं मेरे, अभी 2-3 फंक्शंस आ रहे हैं। तो ठीक है आओ चलो आपको मैं दिखाता हूँ लाजपत नगर की मार्केट, क्या क्या सामान हम लेते हैं, मिलवाते हैं आपको अपने फैमिली मेम्बर्स से। आओ लाजपत नगर की मार्केट घूमते हैं आज, फिर और देखते हैं आगे क्या क्या करते हैं आप लोग। हेलो दोस्तों, तो ये हम कर चुके हैं एंट्री लाजपत नगर की मार्केट में। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो भाई घर का सामान बहुत मिलता है, शादी वगैरह का सामान हो वो भी बहुत मिलता है। तो खाने पीने की तो बहुत बढ़िया मार्केट है, सूट्स वगैरह लेने हो कुछ भी लेना हो, बहुत अच्छी मार्केट बनी हुई है बेसिकली। कुछ अच्छी दुकानें मेरे को पता है जो मैं अभी जाऊँगा अंदर एक बार आपको दिखाऊँगा, अभी बस एक बार बाहर का थोड़ा सा दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से मार्केट बनी है। ये रहे मेरे फैमिली के लोग, मम्मी और बहन, ठीक है। तो मेरे को बेसिकली कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए घर की डेकोरेशन के लिए, क्योंकि घर थोड़ा सा रिनोवेट कर रहे हैं और कुछ शादी वगैरह आ रहे हैं, फंक्शंस आ रहे हैं घर के, तो उसके लिए मुझे कपड़े वगैरह देखने हैं। तो आओ एक बार चलते हैं मार्केट के अंदर, सबसे पहले देखते हैं कि घर का क्या लेते हैं। बाकी कुशन कवर वगैरह मम्मी ने लिए हैं अभी, सोफ़े वगैरह या बेड वगैरह, बेड शीट को डेकोरेट करने के लिए। तो यहाँ पर देखो कितनी अच्छी अच्छी शॉप्स हैं, ठीक है। तो बस ठीक है, वो लोग जा रहे हैं, एक बार मैं भी चलता हूँ उनके साथ अंदर, बाकी एक बार मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या बेसिकली यहाँ पे और ले सकते हैं हम, ठीक है। तो आइए चलिए मेरे साथ लाजपत नगर घूमने। हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे बेसिकली हम आए हैं लेने सूट्स वगैरह, तो फैमिली में मेरी बहन को और साथ में है कोई, उनको सूट्स वगैरह चाहिए। तो इस शॉप से हमने 3 सूट्स लिए हैं, काफ़ी अच्छी शॉप लगी मुझे, अंदर गए थे काफ़ी सारे सूट्स की वैरायटीज़ है, मैं कुछ डिज़ाइन आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अनारकली है, नायरा है, काफ़ी तरीके के शॉर्ट्स हैं, सूट्स हैं यहाँ पे बेसिकली। तो ये शॉप का नाम है बाल्टा, ठीक है, बाल्टा, हाँ बाटला बाटला। तो एक बार आना ज़रूर यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके के कुछ मार्केट यहाँ पे आसपास है, कुछ दुकानें आपको मैं दिखाता हूँ क्या है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये एक्सपर्ट्स यूनिफॉर्म है, रिच लुक है, और ये एरिया बेसिकली लाजपत नगर का मिड है, मिड मार्केट है। तो ये आसानी से नारंग गारमेंट्स है ना, इसके साथ बिल्कुल ये शॉप है, तो यहाँ पर आना ज़रूर, काफ़ी अच्छे सूट्स हैं अगर किसी को लेने हो तो। तो यहाँ का काम हमारा हो गया ख़त्म, अब हम चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं आगे हम क्या लेते हैं। एक बार पेमेंट वगैरह हो जाए, अंदर हो रही है तो पेमेंट वगैरह करने के बाद देखते हैं। रीज़नेबल सूट्स हैं वैसे तो, 2,500-3,000 इतने रीज़नेबल मिल गए थे, ठीक है गाइस। तो चलते हैं अपन लोग आगे और दिखाते हैं आपको आगे क्या लेते हैं बेसिकली हम। हेलो दोस्तों, तो लहंगा वगैरह फैमिली में सबने ले लिया है 2-3, क्योंकि जो फंक्शन है फैमिली में वो भी है 1-1.5 महीने बाद। तो उसके बाद ये मैं आया हूँ दूसरी वाली साइड, यहाँ पे आपको शॉप्स के साथ साथ बहुत सारे ब्रांड्स भी मिलेंगे, क्योंकि ये दूसरी वाली साइड है मार्केट की। रेमोंड है, ब्लैकबेरी है, मीना बाज़ार की शॉप्स हैं, आगे आगे देखो रेडो, वुडलैंड, काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं यहाँ पे ख़रीदने के लिए सामान, घर का लेना हो या कुछ भी लेना हो। ये थोड़ा सा पार्किंग वाला एरिया है, तो आओ मैं आपको एक बार लेके चलता हूँ अंदर की ओर, अंदर का भी दिखाता हूँ छोटी छोटी शॉप, जैसे इयररिंग वगैरह वो सब अंदर आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है।
और घर वाले मेरे अभी उधर ही हैं, वो अपना सामान ले रहे हैं, जैसे कि इयररिंग्स वगैरह हो गया, मैंने बताया, बैग्स वगैरह हो गए। तो यहाँ पे जब भी कोई लाजपत नगर आ रहा है तो कोशिश करें कि गाड़ी लेके ना आए, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक देख रहे हो आप, ये गाड़ी लाने वाली जगह मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बहुत बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। ये देखो, यहाँ से मैं आपको एक बार दिखाता हूँ किस तरीके का सामान यहाँ पे अंदर है जो लोग लेते हैं। ये देखो छोटा मोटा। तो आओ मैं अपने आप लोगों को अपनी फैमिली की तरफ लेके चलता हूँ। अंदर तो मैं एक बार नहीं दिखा पाऊँगा, यहीं से आपको दिखाता हूँ कि क्या है। बेसिकली इस तरीके के देख रहे हो लेडीज़ के ज्वेलरी वगैरह के शॉप्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये भी आप आसानी से यहाँ पे ले सकते हो। मेरी फैमिली अब बंदी अंदर है, मैं एक बार आपको चलते हैं अपन लोग अंदर और आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी शॉपिंग, ठीक है गाइस। थोड़ा सा मैं और आपको आगे भी दिखाऊंगा। बाय बाय। हेलो दोस्तों, तो ये मैं अब इस तरफ निकल के आ गया हूँ, जो कि यहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें मिल जाती हैं बच्चों के लिए और बाकी चीज़ों के लिए, जैसे कि दुपट्टा वगैरह यहाँ पे काफ़ी हैं। ये काफ़ी अच्छी शॉप लगती है मुझे, विकास कलेक्शन, इससे बहुत सामान लिया हुआ है हमने, मतलब ज्वेलरी वगैरह टाइप की शॉप है, पर काफ़ी अच्छी शॉप है। और बेसिकली मार्केट में तो यही सब है, बाकी मैं अलग अलग एरियाज़ में जा रहा हूँ तो आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि कौन कौन से एरियाज़ हैं। अभी ये यहाँ पे कहाँ गए हैं, चुनमुन है, ये चुनमुन के अंदर चले गए हैं मेरे फैमिली वाले को सामान लेने के लिए। तो ठीक है, मतलब जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ, जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें दिखा रहा हूँ उसको एक बार आप नोट कीजिएगा, और क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी सामान अच्छे तरीके से मिल जाता है, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी बताया, ये लोग गए हैं चुनमुन में, यहाँ पे ये चुनमुन है, इसके अंदर ये लोग सामान लेने गए हैं कुछ, ये खड़े हैं सामने सामने, कुछ लोवर लेने हैं या क्या लेने हैं, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी शॉप्स हैं, देखो, मतलब शॉप्स नहीं, सॉरी, ड्रेसेस हैं, ठीक है। ये देखो कितना अच्छा सामान है यहाँ पे, ठीक है। तो और फैमिली वालों के साथ ही अंदर ही चलते हैं, मैं आपको यहीं से एक बार थोड़ा सा आइडिया देता हूँ क्या है। बेसिकली देखो, ये मम्मी ले रही है सामान यहाँ पे, ठीक है। मैं भी एक बार अंदर चलता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, अंदर की गलियों में ज़रूर आना, यहाँ पे ना बहुत छोटी छोटी चीज़ें सस्ते में मिल जाती हैं। ये देखो 40% ऑफ यहाँ पे कुशन वेट कवर्स, गारमेंट्स वगैरह की शॉप्स है अंदर, मतलब जितना अंदर आप जाओ टी शर्ट्स पैंट्स बच्चों की चीज़ें सब बहुत सस्ते में मिल जाती हैं यहाँ पे ना, आराम से, बहुत आराम से सस्ते में मिलेंगी आपको। बाहर बड़े बड़े ब्रांड्स मिलेंगे, अंदर आपको छोटी छोटी चीज़ें, जैसे अब विंटर्स आ रहे हैं तो ये देखो विंटर की चीज़ें, और अंदर डेकोरेशंस, मतलब इतनी अच्छी मार्केट बनी हुई है। तो यहाँ से मैंने काफ़ी सामान लिया है, मैं तो यहाँ 10 साल से आ रहा हूँ, तो व्लॉगिंग पहली बार स्टार्ट करी है, तो यहाँ पे देखो कितनी अच्छी शॉप्स हैं। अभी आगे थोड़ा सा आई थिंक खाने पीने की भी काफ़ी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, तो मैं आपको थोड़ा सा आगे वो भी दिखाता हूँ। बाकी हम तो घर से खाना लाए थे, खा लिया है, ये देखो क्रॉकरी, ठीक है। चलते हैं दोस्तों आगे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ और यहाँ पे क्या क्या मिलता है, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा हो गया, थोड़ा आगे चलते हैं। ये देखो दोस्तों, ये आए हम अंदर एक सभ्यता, एक शॉप है यहाँ पे जिसमें काफ़ी अच्छे अच्छे सूट्स हैं। तो यहाँ से भी मेरी मॉम ने एक अच्छा सा सूट लिया है, लाजपत नगर की काफ़ी अच्छी शॉप है ये सभ्यता, ठीक है। देखो कितनी वैरायटी है सूट की, अनगिनत तरीके की वैरायटी है, ऊपर भी है नीचे भी है, यहाँ पे शॉप्स में बहुत वैरायटी है सूट्स की। तो ऑल्ट्रेशन के लिए दिया है बस, यहाँ पर भी एक मॉम ने भी सूट लिया है, बस वही है कि घर पर शादी वगैरह है, फंक्शन है, तो शॉपिंग चल रही है, ठीक है ना। तो सूट का काम भी हो गया, बाकी छोटे मोटे घर के डेकोर के भी सामान ले लिए हैं, जैसे कारपेट वगैरह और कुशन्स वगैरह लिए हैं। तो मैंने भी कुछ नहीं लिया क्योंकि मेरे पास सारा अपना पड़ा हुआ है सूट, पूरा कोट पैंट वगैरह सब पड़ा हुआ है। तो बाकी घर से और भी जो भी कोई यहाँ एग्जिस्ट वगैरह सब, अपने ज्वेलरी वगैरह सब ले लिए। सभ्यता इस शॉप का नाम है, अब अगर कोई आए तो ज़रूर देखना, ठीक है ना। ठीक है गाइस, मैं आपको मिलता हूँ बाहर, और कुछ देखते हैं, अगर कुछ ले रहा हो तो ठीक है, नहीं तो निकलेंगे, ठीक है। बाय बाय गाइस, मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। तो दोस्तों, ये भी एक अंदर छोटा सा एरिया था जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मतलब काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में और एंगल्स में ना मैंने वीडियोग्राफी आपको दिखाई है, कौन कौन से मार्केट्स हैं, कहाँ कहाँ है। लेफ्ट लेफ्ट, ठीक है। तो बस अब यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, काफ़ी शॉपिंग हो गई है घर की, काफ़ी कपड़े वगैरह ले लिए, तो अपन लोग बस हम मेट्रो स्टेशन जाएंगे, सामान वगैरह काफ़ी ले लिया है हमने, तो बस
बनाऊंगा इसका भी व्लॉग, देखना आप एक बार किस तरीके का लगता है आपको, कैसा लगता है। काफ़ी सारी मार्केट गए हैं हम लोग, सरोजनी नगर गया था, फिर दिल्ली हट गया था, यहाँ आया हूँ। अभी चांदनी चौक भी जाऊँगा तो वहाँ का भी एक बार दिखाऊँगा स्ट्रक्चर कैसा बनाऊँगा, ठीक है। तो ठीक है गाइस, मैं मिलता हूँ आपको बाद में, बस निकलते हैं मेट्रो स्टेशन की ओर, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा रश हो गया, शाम के 5 बज गए हैं, सुबह 12 बजे हम लोग घूम रहे हैं, काफ़ी सारी शॉपिंग हम लोगों ने कर ली है, ठीक है। आई होप आपको मार्केट अच्छी लगी होगी राजपत नगर की, क्योंकि देख रहे हो इस टाइम भीड़ कितनी ज़्यादा हो गई है, ठीक है गाइस। चलो मिलते हैं फिर आपको बाद में, क्योंकि अब बस अपन की जाने की तैयारी हो गई है, काफ़ी शॉपिंग हो गई है। बाय बाय गाइस, एंजॉय करना मेरे ब्लॉग को, और आगे भी ऐसे ही अपना ब्लॉग मैं बनाता रहूँगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय, ध्यान रखिए अपना सब।